सो चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे का पोर्शन। सो अभी तक हम पढ़ चुके थे, अब हमें देखना था ये डिफरिंग स्टैंड्स ऑफ आर विद इन द मोमेंट। सो चलिए पढ़ते हैं। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। सो जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कलेक्टिवली इसको हम बोल देते हैं, तो ये स्टार्ट किया गया था जनवरी में 1921 में, यानी आज से 100 ईयर्स पहले, क्योंकि अब 2021 चल रहा है। सो ये आपको याद करना भी इजी रहेगा, और ये क्वेश्चन आता भी है कि जनवरी 1921 पूछते हैं कि नॉन कोऑपरेशन कब बिगेन हुआ। सो वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मोमेंट, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। ऑल ऑफ देम हैव रिस्पोंडेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। सो इसमें बोल रहे हैं जो वेरियस सोशल ग्रुप्स थे हमारे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, यानी हर सोशल ग्रुप की अपनी एक स्पेसिफिक एस्पिरेशन थी, अपनी डिजायर्स थी, सबके एक अलग मायने थे, उनकी अलग इच्छा थी, अलग तरह से प्रोटेस्ट करने के तरीके थे। ऑल ऑफ देम रिस्पोंडेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, तो सब ने स्वराज की कॉल के लिए रिस्पोंड किया, यानी सब चाहते थे कि स्वराज आए, स्वराज्य आए, इंडिपेंडेंस आए और ब्रिटिश रूल को हटा दिया जाए। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, यानी ये टर्म मतलब ही स्वराज की बात करें, स्वराज लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग रखता था। स्वराज का मतलब कोई कुछ समझता था, कोई कुछ, और ये हम देखते भी है डेली लाइफ में, सब लोगों के लिए हर वर्ड का मीनिंग कुछ और निकल कर आता है। सो चलिए बिगिन करते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स। तो पहले हम देखने वाले टाउन्स में किस तरह से मूवमेंट का बिगिन हुआ। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, तो जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ मिडल क्लास के पार्टिसिपेशन से सिटीज में। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट के स्कूल थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स कंट्रोल करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन स्कूल्स को छोड़ दिया और कॉलेजेस को छोड़ दिया। हेडमास्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, उनकी लीगल प्रैक्टिसेस थी, लॉ कोर्ट छोड़ दिए, काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया गया, अभी हमने ऊपर देखा भी था कांग्रेस ने फिर लास्ट में नॉन कोऑपरेशन को अडोप्ट कर लिया था। तो इस तरह से काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट कर दिया गया इन मोस्ट प्रोविंसेस, ज़्यादातर प्रोविंसेस में ये चीज़ हो चुकी थी। प्रोविंसेस मतलब टाइम पे आप स्टेट कह सकते हैं, एक्सेप्ट मद्रास, सिर्फ मद्रास को छोड़ के मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में ये चीज़ लागू हो चुकी थी, नॉन कोऑपरेशन अच्छे से ऑपरेट कर रहा था। लेकिन मद्रास में क्या हुआ, जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी थी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण, तो जो पार्टी थी ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। एक्चुअल में क्या है, सो फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। तो क्या हुआ, जस्टिस पार्टी के जो लोग थे ये नॉन ब्राह्मण्स थे, तो ये काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो किसी तरह से पावर में आना चाहते थे। उनको ये फेल्ट हुआ, यानी उनको ये महसूस हुआ कि काउंसिल में आने से उनकी एक तरह से पावर गेन होगी, उन्हें कुछ पावर मिल जाएगी कम से कम, और समथिंग डेट यूजली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। तो ये कह रहे हैं उस टाइम पे ब्राह्मण्स को जो पावर थी उसी टाइप की कुछ पावर तो हमें मिलेगी अगर हम काउंसिल इलेक्शंस में आए, हम पावरलेस नहीं रह पाएंगे। सो इसमें यही बता रहे हैं जो ठीक है। अब हम देखते हैं द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, जो इफेक्ट्स थे नॉन कोऑपरेशन के वो इकोनॉमिक जो एक डोमेन था उस पर वो ज़्यादा ड्रामेटिक थे। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड्स को ऑब्वियसली बॉयकॉट कर दिया गया। लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, सो पिकेटेड का मीनिंग हमने साइड में दिया हुआ है। पिकेट में ना होता है, एक फॉर्म होता है डेमोन्स्ट्रेशन का या प्रोटेस्ट करने का, इससे जो पीपल होते हैं वो एंट्रेंस जो होती है शॉप की उसको ब्लॉक कर देते हैं, या फैक्ट्री या ऑफिस की, मतलब एक तरह से बंद करना ही हुआ ऑब्वियसली, लेकिन एंट्रेंस को बंद करना है ठीक है। सो आप समझ सकते हैं ऑब्वियसली लिक्वर शॉप्स आप समझ सकते हैं, लिक्वर मतलब जो ये वाइन वगैरह होती है या ड्रिंकिंग की मीनिंग जो है वही बताना चाह रहे हैं। एंड फॉरेन क्लोथ बर्नड इन ह्यूज बॉनफायर्स, और जो फॉरेन क्लोथ थे, फॉरेन जो कपड़े थे उनको जला दिया गया, बर्न कर दिया गया ह्यूज बॉनफायर्स में, बॉनफायर्स लगा कर। बॉनफायर एक ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जो वुड्स और लॉग्स, वुड के जो ब्लॉग्स होते हैं उनको लगा देते हैं और फिर ये फायर लगा के बैठ जाते हैं उसी में, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर में बॉनफायर बोल देते हैं। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ
बिटवीन 1921 एंड 1922, क्योंकि 1921 में स्टार्ट हुआ था मूवमेंट, तो 1921 से लेकर 1922 के बीच में जो इम्पोर्ट था यानी कि उसको हाफ कर दिया गया, कम कर दिया गया। अभी हम सो यहाँ पर हमारा इम्पोर्ट जो था फॉरन क्लोथ का वो हाफ हो गया था, उसके बाद इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम रुपीज 102 crore टू रुपीज 57 crore। सो फॉरन जो इम्पोर्ट था उसकी जो वैल्यू थी उसकी रुपीज की, वो ड्रॉप हो गई थी 102 crore से लेके 57 crore तक, यानी बिल्कुल हाफ हो गई थी लगभग। In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. बहुत सारी जगहों पर merchants ने, traders ने refuse कर दिया कि हम trade नहीं करेंगे foreign goods को, या किसी भी तरह का foreign trade को हम finance नहीं करेंगे, उसको support नहीं करेंगे, उसको किसी तरह की money की help नहीं करेंगे, money की help नहीं करेंगे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। As the boycott movement spread and people began discarding imported क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस, तो कह रहे हैं कि जिस तरह से बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड होता गया, बढ़ता चला गया, और पीपल जो लोग थे उन्होंने डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दिया इम्पोर्टेड क्लोथ्स को, तो और वो सिर्फ इंडियन क्लोथ्स को पहनना अब प्रीफर करने लगे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। ऑब्वियसली तो होना ही था कि जो इंडियन की फ्यूचर टेक्सटाइल मिल्स थी और ये कपड़ों की जो फैक्ट्रियाँ थी, इन सबकी हैंडलूम्स थे, उन सबका प्रोडक्शन बढ़ने लगा और इससे इंडियंस को ज्यादा कमाई भी होने लगी। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन ये मूवमेंट जो था सिटीज में धीरे धीरे स्लो होने लगा वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से। तो रीजंस बता रहे क्या रीजंस थे, तो ये आपके दो क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पे। एक सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्यों सिटीज में मूवमेंट जो है वो स्लो हुआ, और फर्स्ट आपका पूरा ये है कि टाउन्स में किस तरह से मूवमेंट हुआ। अब हम देखने वाले हैं किस तरह से स्लो हुआ मूवमेंट्स जो है। सो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कलर बदल देता हूँ। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ। तो जो खादी का क्लॉथ था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था मिल क्लॉथ के कंपैरिजन में, यानी कि खादी इंडिया में मेनली प्रोड्यूस होता था उस टाइम पे, खादी के क्लोथ पहनते थे लोग। सो क्या हुआ, पुअर पीपल जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वो थोड़ा महंगा हो गया था खादी क्लोथ, और वो एक्सपेंसिव था जहाँ तक कि मिल क्लोथ्स के कंपैरिजन में। तो एक रीज़न ये है, हाउ देन कुड द बॉयकॉट मिल क्लोथ फॉर टू लॉन्ग। तो ये कह रहे कि हाउ देन कुड दे बॉयकॉट, कि किस तरह से वो बॉयकॉट कर सकते हैं मिल क्लोथ को ज़्यादा लंबे समय तक, मतलब कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा देर तक के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस को क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, इंस्टीट्यूशन से मतलब वही है स्कूल, कॉलेजेस, काउंसिल्स, लॉ, कोर्ट्स वगैरह बाकी सब। फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप। वो सही बात है कि अगर मूवमेंट को हमें सक्सेसफुल करना था तो उनके ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप होने चाहिए थे। तो ये बिल्कुल इसी ठीक है, सो दैट दे कुड बी यूज इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वन। तो ऑब्वियसली उनको अगर हम ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जगह पर यूज़ कर सकें, उसके लिए हमारे पे एक इंडियन ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह जैसे अब चाइना का मैटर पूरा चल रहा है कि इंडियन मेड चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम चाइना की चीज़ों को बॉयकॉट कर सकते हैं और अपनी कंट्री में उनको सेल करने से बचा सकते हैं। दीज वर स्लो टू कम अप। तो ब्रिटिश जो मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशन थे बहुत स्लो थे, तो धीरे धीरे बन रहे थे, ऑब्वियसली बहुत जल्दी तो होने वाला नहीं था। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल। तो इससे क्या हुआ, स्टूडेंट्स और टीचर्स फिर से जाकर उन्हीं स्कूल में जाने लगे, एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्स। मतलब एक तरह से मूवमेंट पूरा बैक हो गया, मतलब पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा करके लोग जाने लगे, और फिर ये हुआ। चलिए अभी हम नेक्स्ट पार्ट की जो है ये अगली वीडियो में करेंगे, यहाँ से रिबेलियन इन कंट्री साइड। ओके थैंक यू ऑल। चलिए तो अब मैं बंद कर देता हूँ।